नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर वेरी ओन समाप्ति मैम, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के PYQs, पिछले 5 साल के। सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, आगे आते आते हम और भी चैप्टर्स के PYQs आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट ये आइडिया हो जाए कि पिछले कुछ सालों का क्या पैटर्न है, और आपको एक ही जगह पे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आई होप दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड कि पिछले 5 सालों में इस चैप्टर से पर्टिकुलरली कैसे सवाल पूछे गए हैं, और आप अपने आप को जरूर इसके साथ साथ में एनालिसिस कीजिएगा। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करेंगे रीसेंट सबसे ईयर से, दैट इज द ईयर 2021। पहला सवाल आप सबके स्क्रीन पर है, Which of the following statements wrongly represents the nature of smooth muscles? So, आपको सबसे पहले हाईलाइट करना है, पूछा क्या है क्वेश्चन में, wrongly representing the nature of smooth muscles. You must have read about the 3 types of muscles. यहाँ पे smooth muscles की इनमें से कौन सी characteristics नहीं है वो आपको पहचाननी है, that is going to be your answer. These muscles have no striations. This is a true statement. स्मूथ मसल्स के पास कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती है भाई, तभी तो उसका नाम स्मूथ है, राइट? दीज आर और दे आर इनवॉलंटरी मसल्स, एब्सोल्युटली ट्रू। योर स्ट्राइएटेड मसल्स विच कुड बी योर कार्डियक ऑल्सो एंड विच इज ऑल्सो योर वॉलंटरी मसल्स, दैट इज योर स्ट्राइएटेड मसल्स आर स्केलेटल मसल्स, ये आपके वॉलंटरी नेचर होते हैं, बट स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी नेचर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। कम्युनिकेशन अमंग दी सेल इज परफॉर्म बाई इंटरकैलेटेड डिस्क, दिस इज बिल्कुल गलत, दैट मीन्स गलत है तो रॉन्गली ही आपसे पूछा था। ऑप्शन 3 इज गोइंग टू बी द आंसर। आप सबको पता है इंटरकैलेटेड डिस्क इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स, राइट? तो यहाँ पे इंटरकैलेटेड रिस्क नहीं होते, पर रिस्क नहीं लेने का 4th ऑप्शन भी पढ़ लो। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ ब्लड, आपको पता है ट्यूनिका मीडिया होती है, अगर नहीं पता है एक बारी बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन पढ़ोगे तो वहां पे भी आ जाएगा। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 का ही दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सवाल। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प्स टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस अ टिश्यू। स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द टिश्यू, कौन स्टॉप करता है बच्चों? पहला तो टाइट जंक्शन होना चाहिए। यूजुअली आप प्रेफर कर सकते हैं कि आप वहीं पे अंडरलाइन करके आंसर अपने लिख दें और बाद में ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर लें। एंड फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, तो कौन कम्युनिकेशन में हेल्प करता है? गैप जंक्शन। तो जल्दी से बता दो क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन 2। 2021 के सवाल के बाद आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं 2020 में। तो यहाँ पे 2020 में दोबारा जो कोविड की वजह से पेपर हुआ था उसके भी कुछ क्वेश्चन हमने ऐड कर लिए। ओवरऑल हम 2020 में टोटल कितने सवाल आए हैं हम देख लेते हैं, ठीक है? क्यूबॉइडल एपिथीलियम विद ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर का मतलब अभी तक आप लोगों को पता चल चुका होगा, माइक्रोविलाई। अच्छा, आगे दिया भी हुआ है क्वेश्चन में, राइट? क्यूबॉइडल एपिथीलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन, आपको पता है जहां पे माइक्रोविलाई होती है इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। नो, आपको पता है स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में होते हैं आपके पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम विद नो माइक्रोविलाई, एंड अदर लार्जर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में आपको मिलते हैं कंपाउंड एपिथीलियम। तो यहाँ पे आप ब्रश बॉर्डर की बिल्कुल बात नहीं करेंगे। प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, एब्सोल्युटली राइट। PCT में आपके पास इस तरीके से ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं इंक्रीज एब्जॉर्प्शन के लिए। That's going to be your answer, not the eustachian tube, not the lining of intestine. Let's get started with the next question on your screen. Ye cockroach ka question hai. If the head of cockroach is removed, it may live for a few days because bilkul NCERT ki line se sawal diya hua hai bachcho ki agar head aap uska kaat do phir bhi wo ek hafte ke liye, aisa NCERT mein diya hua hai, experiment nahi karna hai, theek hai, wo phir bhi zinda rehta hai, aisa kyun? The cockroach does not have a nervous system. ये तो बहुत ही गलत बात कर दी। आप एनिमल किंगडम में भी पढ़ोगे दे आर्थ्रोपोडा के केस में, कॉकरोच इज आर्थ्रोपोड, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, गैंग्लियंस होते हैं उनके पास, यू मस्ट बी नोइंग, और आगे या तो आप पढ़ोगे। ये तो बात ही गलत कर दी। हेड होल्ड्स अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी।
Head holds a very small proportion of nervous system while the rest is situated along the ventral part of the body. Absolutely right, बच्चो, कि इनका जो nervous system होता है, अभी-अभी मैंने आपको बताया कि double ventral solid nerve cord. Ventral side पे इनका nerve cord होता है. Head के पास ज़्यादा control नहीं है, आपको पता है, supraesophageal ganglion represents the brain of cockroach और उसका जो connection है, वो सिर्फ आगे antennae, eyes से related है, whereas major portion इनके ventral side पे होता है और वो rest of the body को control करता है, इसीलिए क्योंकि head से ज़्यादा लेना देना नहीं है, इसीलिए आप अगर head को काट भी दो तो वो survive कर सकता है, but अगला option भी देखते हैं, head holds 1/3 part of nervous system while the rest is situated along the dorsal part. यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं, डॉर्सल पार्ट में उनका नर्वस सिस्टम नहीं प्रेजेंट है, वेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, तो गलत हो गया. सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन ऑफ कॉकरोच आर सिचुएटेड इन द वेंट्रल पार्ट, नो, दैट रिप्रेजेंट द ब्रेन, राइट. अगला क्वेश्चन बच्चों 2020 का ही बहुत ही सरल सा सवाल है. गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स. आपने पढ़े हैं, यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स का भी एग्जांपल है, सिंगल सेल एक्टिंग एज अ ग्लैंड. कॉल्यूमिनार एपिथेलियल सेल, कार्टिलेज वाले सेल्स है क्या? कॉन्ड्रोसाइट्स, नॉट एट ऑल. कंपाउंड एपिथेलियम सेल्स, नो. स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स, नॉट एट ऑल. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2020 का, और 2020 का ये जो सवाल है ये आप आगे देखोगे एक और जगह पे पूछा गया है, कॉकरोच का यही सवाल रिपीट भी हुआ है. इन कॉकरोच आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ फोर गट इन करेक्ट सीक्वेंस. बहुत ही आसान. माउथ लीड्स टू फैरिंग्स, लीड्स टू ईसोफेगस, लीड्स टू क्रॉप, लीड्स टू गिजर्ड, राइट. देख लेते एक बारी, माउथ, फिर क्रॉप दे दिया इन्होंने सीधे, नो, फिर गिजर्ड दे दिया, नहीं. माउथ के बाद फैरिंग्स है बेटा, ईसोफेगस तो है नहीं, तो माउथ के बाद फैरिंग्स, फैरिंग्स के बाद ईसोफेगस, फिर क्रॉप एंड देन गिजर्ड. ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर, राइट. लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन 2020 का ही. देखो ये मैंने लिख दिया है कोविड में जो वापस से पेपर हुआ था, राइट. मैच द फॉलोइंग आइटम्स, तो हम पहले मैच कर लेते हैं यहाँ पे, आप भी मैच कर लीजिए साथ में, फिर यहाँ पे हम आंसर मैच कर देंगे. ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स, ग्राइंडिंग करता है गिजर्ड, और गिजर्ड का दूसरा नाम एनसीईआरटी ने दिया हुआ है प्रोवेंट्रिक्युलस. तो 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3. वैसे तो देखो कितना सरल है, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, 1 का 3, 2 का 1 दिया हुआ है. सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस, हेपेटिक सी के, 6 to 8 इन नंबर आपने पढ़ा हुआ है हेपेटिक सी के. 10 pair ऑफ स्पाइरिकल्स, यानी कि 3 का 4, 3 का 4 और 4 का 2. एनल सरकाई, एनल सरकाई 10th segment में प्रेजेंट है. काफी इजी है, वैसे तो एक ही ऑप्शन से पता चल जाता ग्राइंडिंग से, बाकी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट अपने सेफ्टी के लिए, सेफर साइड के लिए आप पूरे ही पढ़ लिया करो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4. ठीक है, अगेन अगेन अगेन, आई थिंक यहाँ पे ईयर हमने चेंज नहीं किया, दिस इज अगेन 2020 का ही क्वेश्चन, हमने साइड में लिखा हुआ है. सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग. न्यूरॉन्स, नर्व सेल, एब्सोल्युटली. फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइबर सिक्रीट करने वाली सेल्स. एरियोलर टिश्यू, बिल्कुल सही. ऑस्टियोसाइट्स, बोन सेल्स, बिल्कुल सही. कॉन्ड्रोसाइट्स आर नॉट स्मूथ मसल सेल, दे आर कार्टिलेजिनस सेल, कार्टिलेज को बनाने वाली, राइट. तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 4. बहुत सारे सवाल आए हैं वैसे, ठीक है. चलो 2019 का ये क्वेश्चन देखा जाए. दी सीलिएटेड, सीलिएटेड यानी मूवमेंट में हेल्प करेगी. एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव द पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. इन ह्यूमंस दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन, जहां पे मूवमेंट की जरूरत है वहां पे आपके पास सीलिएटेड एपिथेलियम होगी. बाइल डक्ट, नो. ब्रोंकियोल्स में होता है, स्मॉलर ब्रोंकियोल्स में आपने पढ़ा होगा सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. फैलोपियन ट्यूब्स में होता है सीलिएटेड कॉल्यूमनार. पैंक्रियाटिक डक्ट में नहीं है, यूस्टेशियन ट्यूब में नहीं है, सिलाइवरी डक्ट में नहीं है. ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स, ऑप्शन 4. दोनों जगह पे मूवमेंट चाहिए, ब्रोंकियोल्स, म्यूकस, फैलोपियन ट्यूब, एग की मूवमेंट, ओवा की मूवमेंट, राइट. ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर. 2019 का अगला क्वेश्चन जरा हम देखें. सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच. अगेन
ये सेम स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ बोला है, एलिमेंट्री कैनाल की सीक्वेंस पूछी हुई है, फेरिंग से ईसोफेगस तो सब में सही है, फिर ईसोफेगस के बाद क्रॉप आता है, क्रॉप के बाद गिजर्ड आता है, गिजर्ड के बाद इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम, मतलब इन्होंने फोरगट के बाद डायरेक्टली हाइंडगट दे दिया है, बट आपको सीक्वेंस देखनी है तो सीक्वेंस में फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम, ऑप्शन नंबर वन। 2018 में देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 2018 का अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम अ फीमेल कॉकरोच, दोनों में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कैसे होती है, एक मेल कॉकरोच को फीमेल कॉकरोच से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो आपने पढ़ा हुआ है एनल स्टाइल्स के बारे में, जिन्हें हम कॉडल स्टाइल्स भी बोलते हैं, और एक चीज आपने पढ़ी होगी एनल सरकाई, एनल सरकाई इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, बट एनल स्टाइल्स और कॉडल स्टाइल्स आर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन अ मेल कॉकरोच, और वहीं से आप मॉर्फो मतलब बाहर से देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। प्रेजेंस ऑफ अ बोर्ड शेप स्टर्नम ऑन दी नाइन्थ, देखो बोर्ड शेप स्टर्नम पहली बात तो फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कॉडल स्टाइल्स और एनल स्टाइल एब्सोल्युटली राइट, फोर विंग्स विद डार्कर टेग्मिना नो, एनल सरकाई दोनों में बच्चा प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो 2018 का। आगे 2017 में इससे सवाल पूछे नहीं गए थे, फ्रॉग से तब क्वेश्चन पूछे गए थे, और फ्रॉग अभी आपके सिलेबस से डिलीटेड है, तो 2017 में टिश्यू पार्ट से कॉकरोच पार्ट से क्वेश्चन नहीं था। सो दीज वर दी PYQs ऑफ दी पास्ट 5 years फ्रॉम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, आई होप दिस वॉज यूजफुल टू यू, और आगे हम बाकी चैप्टर्स के भी इसी तरीके से आपके लिए PYQs लेते आते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।